दावे के शान कुछ बोल रहे हैं सुनते हैं। मोदी जी की दीवानगी है, उनकी पॉलिसी को पूरा देश फॉलो कर रहा है, उसी तरह एमसीडी में भी दिल्ली ने फॉलो किया। ये मोदी जी की पूरी ऑनेस्टी की एक लहर है, जिसको कहते हैं ना कि जो उत्तर प्रदेश में योगी जी द्वारा दिख रही है, तो पूरा एक फेथ है जो पूरे देश का मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास है। ये विश्वास की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये ऑनेस्टी की जीत है, एक कुछ कर गुजरने की जीत है कि ये देश एक विकास की ओर चले और एक स्ट्रेंथ मिले हमारे भारत को। भारत को बहुत स्ट्रांग, एक अगर हमको उसको सुप्रीम पावर बनाना है, एक बिगेस्ट कंट्री बनाना है विथ ऑर्गेनाइज थिंग, तो ये उसकी जीत है। आपको एक्सपेक्टेशन था कि जिस तरह की जीत दिख रही है वो आप बीजेपी को मिलेगी? जी, हमने 120 सभाएं की, तो वेर एवर आई वेंट, जहां भी हम जा रहे थे, वो एक जो एक आंखों में लोगों की चमक थी, लोगों को देखने का जो अंदाज था, जो एक साउंड आ रहा था, वो जीत का साउंड था और वो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो वो जहां जहां भीड़ जाती थी, जहां जहां 120 सभाएं हमने 8-9 दिन में की, तो उसी वक्त क्लियर हो गया था कि हम लोग वी आर विनिंग, हम लोग बहुत स्ट्रांग वे में जीत रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो रिजल्ट सामने है उसके हिसाब से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी आपके सामने कहीं दिखी नहीं रही। सी, जब भी याद रखिएगा, जीवन में कथनी और करनी में जब आपके अंतर होगा तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप विश्वास तोड़ते हैं किसी का, अगर आप भरोसा तोड़ते हैं, अगर आप किसी को चीट करते हैं या आप किसी को धोखा देते हैं या किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आपको यही रिजल्ट मिलता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे, आंदोलन छेड़ेंगे। अब देखिए, ये सब बातें, अब ये तो अब जनता के खिलाफ फिर आंदोलन छेड़ रहे हैं, अब जनादेश के खिलाफ आंदोलन छेड़ रहे हैं। जनता का विश्वास अगर मोदी जी पर है तो आप उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ रहे हैं। ये बहुत, ये आप ये सब बातें ग्रो, एक मैच्योर बातें होनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये भारत देश है, यहाँ मैच्योरिटी ज़रूरी है। अब ये 2017 है जहाँ हम लोगों को बहुत हाईटेक कंट्री बनना है। हम लोगों को अब ये सब पिछड़ेपन वाली बातें और बहुत ये सब दकियानूसी बातों में अब देश नहीं उलझने वाला है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।